आज आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हम जो पहाड़ के पहाड़ पहाड़ी का मैं इसमें आप बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहाड़ में रोजगार के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अवसर हैं। बस एक ही चीज़ की कमी है, वो है कि आप अगर लगन से इस काम को करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉफिट। ऐसे हम एक ऑप्शन, क्योंकि स्टार्ट तो हम लोग छोटे से कर सकते हैं, छोटे रोजगार से स्टार्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं गांव गांव में क्या उद्योग की क्या स्थिति है। हम देखते हैं, जरा आप हमारे एक उद्योग करते हैं, बोल सकते हैं उनके चक्की भी यहाँ पे आए हम लोग, तो इनसे हम वार्ता करते हैं थोड़ा। हम लोग तो मिलते हैं, सबसे पहले नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आपसे, हमारे बहुत सारे दर्शक आज देख रहे होंगे कि प्रेरित भी हो रहे होंगे आपके इस प्रकार के इस उद्योग के लिए, क्योंकि पहाड़ में आप देखते होंगे कि रोज कहते हैं लोग कि अक्सर की पहाड़ में रोजगार की समस्याएं हैं, इस प्रकार के मुद्दे उठते रहते हैं। तो आप हमें बताया कि आपने ये इस प्रकार के स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार, आप एक प्रेरक के रूप में काम करें। तो आप हमें बताएं थोड़ा चक्की के बारे में कि आपका ये काम कब से आपने स्टार्ट किया है और किस प्रकार का रिस्पॉन्स है आपका इसमें। चक्की के बारे में बताएं तो ये लगा लो कि जब मैं छोटा था तो घराट जो है कम से कम यहाँ से 5 या 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और घराट जाना पड़ता था तो कम से कम मई जून में जब चक्की आटा ले जाते घराट में तो कम से कम 5 दिन लगते थे पूरे आटा पीसने के लिए, क्योंकि बारी नहीं मिलती थी, बहुत ज्यादा आटा रहता था पीसने के लिए। तो कभी कभी परिवार को भूखा भी रहना पड़ता था। ओह माय गॉड, क्योंकि काफी भीड़ भड़ाका होता था, चक्कियां ये पंच चक्कियां कम थी। बिल्कुल, तो इस वजह से काफी दिक्कतें थी। तो आज चाइना तो क्यों नहीं, भारत में भी काफी टेक्नोलॉजी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद हमने जो है ये चक्की का धंधा हमने 2008 से शुरू किया था। बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और कई दिन हम छोटे थे तो तब चक्की में जाते थे वहाँ चक्की में, और घोड़े को लेकर रात को रहना पड़ता था, और कई चीज़ों की समस्या थी, बहुत विकट परिस्थितियाँ थी। बिल्कुल। और कभी कभी परिवार जो है मतलब हमारे इंतजार में भूखे भी रहते थे। सुन रहे होंगे आप लोग कि ये कोई ऐसी बनी बनाई बातें नहीं, ये वास्तविकता है इस पहाड़ की। और ये बात करें कि लगभग 2008 से इन्होंने स्टार्ट किया और आज लगभग 12 साल होने को है तब से इन्होंने किया है। और इस गांव में आपको इसके बाहर भी दिखाऊंगा कि गांव के पॉपुलेशन यहाँ से लगभग 300 से 400 लोग यहाँ पे रहते हैं, और गाँव में सिर्फ यही इन्हीं के पास ही एक चक्की है जिसके माध्यम से गाँव के धान है जो भी जैसे आटा हो गया, ये धान का हो गया, धान की हम आपको दिखाएंगे इस तरफ धान की भी है और इस पे हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। ये बता रहे पहाड़ में इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं और इन्होंने जब से किया है, आपको रोजगार में कितना सपोर्ट मिला है इससे। रोजगार तो खैर मिला ही मिला है, परंतु सुख सुविधा के साथ साथ रोजगार भी है। बिल्कुल है कि नहीं है। अब ये लगा लो कि काफी दूर जाने के बावजूद आज घड़ी में जो है आटा चक्की है, धान चक्की है, और काफी प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तो पहली बात ये है कि समय की बचत है। बहुत अच्छा, क्योंकि आप लोग अपना काम के साथ साथ सुबह शाम इसको भी सुबह शाम ये है मतलब साइड जॉब। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा साइड जॉब। सुबह शाम अपना आटा धान निकाला, दिन में अपना खेती बाड़ी का किया। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। प्रॉफिट बोले तो डबल प्रॉफिट है, खेती बाड़ी भी है और प्लस अपना छोटा लघु उद्योग का भी चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत सपोर्टिव। और एक चीज आपसे यही पूछना चाहते हैं कि हमारे कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो अक्सर पहाड़ से पलायन कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि पहाड़ में रोजगार नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, तो इस प्रकार के उनके क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको कि पहाड़ में किस प्रकार के रोजगार के अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं, यार किस प्रकार के रोजगार है यहाँ पर। ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ लोगों की परिस्थिति ये है कि पारिवारिक मामले में सेटल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, कुछ ऐसा भी है। और कुछ लोग ऐसे है कि मान लिया धंधा जोड़ने के लिए पैसा चाहिए, पहले गवर्नमेंट ये चीजें नहीं थी, हाँ तो धंधे जोड़ने के लिए गवर्नमेंट जो है काफी प्रोत्साहन कर रही है, पैसा दे रही है। और लघु उद्योग हो गया, कटुकुटी उद्योग के लिए हो गया, आपके हाउस लोन हो गया, कई लोन है। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट ने काफी प्रोजेक्ट जो है तैयार कर रखे हैं जिसके
अब इससे एक आखिरी सवाल पर हम जाएंगे कि आप लोग हमें हमारे दर्शक देख रहे होंगे, इस शायद एक सवाल मन में उठ रहा होगा कि अक्सर दिन में आपको कितना आप लोग निकाल पाते हैं, दिन की इनकम लगभग कितनी हो पाती है जिससे मतलब जीविका के लिए एक सफिशिएंट हो सकता है। अगर ये खैर प्रॉफिट भी नहीं है क्योंकि पब्लिक कम है, हाँ, तो फिर भी ये है कि 250-300 तो बिल्कुल निकल ही जाता है ना, बिल्कुल तीन दिन में सुबह शाम का है, दिन भर में नहीं है, 2 घंटे सुबह चलाओ 2 घंटे शाम, 4 घंटे में अपना 300-400 रुपए अपना बन जाता है, बिल्कुल दिन में अपना खेती बाड़ी सब्जी का काम होता है, बहुत ही शानदार। और बाकी अन्य रोजगार आपका बाहर है, बहुत बहुत ही अच्छा है। देख लीजिए आप लोग कि आप इनके कहने का तात्पर्य है कि आप छोटे से रोजगार से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, अपने घर पे है। सबसे पहली बात की जो बाहर दर्शक हमारे बाहर पहाड़ को छोड़कर बाहर रहते हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे पहाड़ में अगर यहीं रहते अपने घर में स्टार्ट करते तो ऐसे मुझे नहीं लगता कोई और समस्या है। तो मैं आपको थोड़ा बाहर भी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पहाड़ की लोकेशन पहाड़ में मार्केट है, थोड़ा सामना और आप हमें हमारे साथ बने रहें, थैंक यू सो मच। इस प्रकार से गांव की ये लोकेशन है और बहुत ही शानदार है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, सभी चीज़ का फैसिलिटीज़ है लगभग लगभग यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहाड़ का जो क्षेत्र है यहाँ पे लगभग गांव आबाद हैं अभी तक, और बस इसका यही मुख्य आधार कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लोग पलायन नहीं किए हैं और वो लोग स्वरोजगार पर ध्यान दे रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए हमें बड़ी खुशी हो रही है हमारे पहाड़ में। तो आप मुझे बताओ अपने पहाड़ यह गांव के बारे में कि आपकी दिशा कैसा, आपको एनवायरनमेंट कैसा है इधर का? बहुत अच्छा है, सबसे मेन बात तो यह है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, हाँ, पानी हो गया, हवा हो गई, बहुत स्वच्छ है, और न तो यहाँ उसके क्या बोलते हैं पंखे की आवश्यकता है, बिल्कुल फ्रिज की है, इतना बहुत अच्छा क्लाइमेट है कि पूछो मत, और वेजिटेबल्स वगैरह इसलिए हमारा बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, और समय समय पे बारिश भी होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो कभी खुदा ने खासा कभी सूखा भी पड़ जाता है, तो ये तो है ही, मैं हमेशा तो होता नहीं कोई भी चीज़, बिल्कुल बिल्कुल, परंतु बहुत अच्छा है, बहुत शानदार।